नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सरायकेला खरसवा जिला के कपाली पुराना टीओपी चौक के समीप नाले पर बने अवैध अतिक्रमण को जिला प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया। चांडियन एसडीओ के आदेश पर सुबह मजिस्ट्रेट समेत पुलिस प्रशासन दल बल के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचा और अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। कि 2010 में हम इसी टीओपी चौक में खड़े होकर हम देख रहे थे आदमी लोग जो है रोड में पेशाब कर रहा था, ठीक है। यहीं पे अगल बगल के दुकानदार लोग और बाकी सब लोग जो तोड़वा रहा है वो लोग भी सब खड़े होकर एक ही बात बोला कि मुख्तार भाई यहाँ पे एक शौचालय होता तो बहुत बढ़िया होता। आप थोड़ा सा कैमरा घुमा के देखिएगा, यह नाला है, नाला को एक जगह से पार नहीं होता, नाला का पानी पूरा पीछे से आ रहा था, ठीक है। ये जो जमीन का मालिक है, जो लेडीज थी, उनसे बात करके सारा पेपर बना, सारा दुकानदार लोग साइन किया इसमें, और हमने जो यहाँ पे 2 लाख रुपए डोनेट करके हमने यहाँ पे शौचालय बना के दिया ताकि यहाँ के दुकान वालों को पर्दापोशी होगा, और हो भी रहा था। उसके बाद में जाके हम लोग शादी हो, मतलब समाज का जितना काम है सारा काम यहाँ हो रहा था। आज हमारा सिर्फ एक ही सवाल है, जो भी तोड़ने के लिए आदेश दिया है या जो तोड़वाने का आदेश लिया है, हमको एक बात बताइए, नाला क्या सिर्फ खड़े खड़े चालू हो जाता है? नाला का पीछे का हिस्सा कहाँ गया? आप पीछे बिल्डिंग को आप देखिए, आप बिल्डिंग को आप कैमरा घुमाइए, क्या ये बिल्डिंग के पीछे जो नाले का जो अवैध जो बना हुआ है, नाला के ऊपर में घर बनाया, आज उसको तकलीफ इस बात का है क्योंकि वो नाला के वजह से उसका अवैध खनन जो बना हुआ है वो समाज के नज़र में नहीं आ रहा है। उसका जमीन का पेपर चेक होना चाहिए। पीछे का नाला कहाँ गया? हमारा सवाल है कि पीछे का नाला कहाँ गया? आगे का नाला समझ में आ रहा है कि चले नाला के ऊपर में बना हुआ, चले जो डोनेट किया वो आदमी आएगा और जवाब देगा उसका, पीछे का नाला कहाँ गया? पीछे का नाला में जो बना है उसका डीसी साहब और एसडीओ साहब और जितने भी इसके पदाधिकारी हैं सबसे भी हम जवाब तलब करेंगे और हमको जानकारी चाहिए ये आखिर क्या हो रहा है कपाली में। जो नशा करने वाले लोग इतने ताकतवर हो गए हैं कि कोई भी सामाजिक चीज बनेगा तोड़ दीजिएगा आप यहाँ पे है। और दूसरी चीज, जब ये मामला कोर्ट में चल रहा है या आपका एसडीएम साहब के सामने में चल रहा है तो कोई रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? बिना बताए आप क्या तोड़ दीजिएगा? क्या यहाँ पे क्या हो रहा था? यानी नशा करने वाले और करवाने वाले लोगों का इतना पावर हो गया कि समाज का हर चीज तोड़ दीजिएगा आप? हाँ, ये कपाली में हो रहा है। और इसका पीछे का नाला के बारे में हमको जानकारी चाहिए, पीछे जो नाला जा रहा था वो जमीन कहाँ है, वो जगह कहाँ है जहाँ से पानी आ रहा था, उसका हमको जवाब चाहिए यहाँ पे। और अभी हम भी लिख के देंगे यहाँ से वो नाला जो है कम्प्लीट नाला, क्योंकि नाला आज का बना हुआ नहीं है, एक जमाने से है, जब पूरा पूरा खाली था जगह तो नाला का पानी आता था ना जीटीओपी चौक में कि नहीं आता था? आज ये जो नाला है ये जितना बड़ा नाला है उतना बड़ा पीछे भी जगह है, तो पानी कहाँ से आ रहा है? पानी आने का जगह बंद हो गया क्यों? नाला के ऊपर में लोग बिल्डिंग बना के बैठ गए। अब वो जो बिल्डिंग बना के बैठ गए उसको अच्छा बनाने के लिए नाला को तोड़वाया जा रहा है। नाला हम लोग को जहाँ समझ में आएगा वहाँ देंगे, अभी हम लोग बोलेंगे नहीं क्योंकि सेटिंग बहुत बड़ा है। अभी सेटिंग के ऊपर अगर हम लोग किसी को भी नाम बता देंगे आदमी को लगेगा वहाँ पे भी सेटिंग करना है, लेकिन इस बार सेटिंग नहीं होगा, इस बार हम लोग जवाब देंगे इसका। नाम मोहम्मद मुख्तार हुआ और ये शौचालय हमारा ही दिया हुआ है यहाँ। आज कपाली टीओपी चौक में मैं निशांत कुमार वर्मा कपाली, यहाँ से हमको मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनिधित्व किया गया था। एक तो अतिक्रमण हुआ वहाँ टीओपी चौक के पास, नाला के ऊपर बना हुआ था, और दूसरा एक मेडिकल था बहुत दिन से बंद था, उसके लिए भी आदेश आया हुआ था सर के द्वारा, ऊपर में एसडीएम सर के द्वारा कि इसको खाली करवाना था, ताला तोड़वाना था, तो इन सबके समझ ताला को तोड़वाया गया। बस ठीक रहा। मेडिकल की दुकान थी उस पहले से थी, उस आदेश आया हुआ था ताला तोड़वाने के लिए, खुलवाने के लिए, तो सब फोर्स उसके द्वारा सबके साथ में मिल के खुलवाया गया। सरकार की जो है धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने जो है अपना फैसला देते हुए हमारे हक में दुकान को खाली कराया है, और हमारे फोर्स कपाली थाना के फोर्स और सारे आप जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके मौजूदगी में दुकान को खाली कराया गया है। दुकान अभी देखिए पूरे उन्होंने सामान निकाल लेने के बाद भी जो है ताला और चाबी अपने कब्जे में रखे थे, कानूनी मदद के सहारे उन्होंने जो है ना मजिस्ट्रेट के सामने दुकान को खाली करा दिया, ठीक है, और अपने कब्जे में ले लिया। और 2014 से ये केस चल रहा था, 2022 में अभी हम लोगों ने कमिश्नर के पास से जीता है और कानूनी आदेश करने के बाद इसको खाली करवा रहे हैं, और 2014 से लेकर अब तक इन्होंने किराया भी नहीं दिया है, ठीक है। वो तो हम बाद में जो है वो सरकार के द्वारा से वो भी हम ले लेंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और सबसे प्रशासन का जो है हम बहुत दिले से जो है ना वो धन्यवाद करना चाहते हैं। जी 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 जी, मेरा नाम हुआ जुनेद अकरम परवेज, मेरे पिता का नाम कमरुजमा, प्रोफेसर कमरुजमा साहब है। जी जी, वो कोर्ट के भरोसे में थे तब 2014 से 2022 तक जो है ना हम इंतज़ार किए, ठीक है, क्योंकि प्रशासन प्रशासन होता है और प्रशासन का सहारा सभी को लेना चाहिए।
ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।